हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अभी कल मैंने शॉर्ट डाला था अपना यूपीआई यूज़ काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड, ठीक है, तो आपने देखा होगा। तो अभी मैं उसी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। पर उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर बहुत सारे रिलेटेड वीडियो है मेरे कॉलेज के, ब्लॉग्स वगैरह हैं और लेक्चर वगैरह हैं, तो आप यहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, जो भी आपकी नीड है, ठीक है। काउंसलिंग की वीडियो भी रहती है। तो चलिए मैं नोटिस के ऊपर बात कर लेता हूँ, क्या वो नोटिस आया था कल वो सही है या फिर फेक है, ठीक है। तो सभी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, नोटिस निकला था अपने दैनिक जागरण में, ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे को सेंड किया था। तो इसमें लिखा है कि यूजी काउंसलिंग 2022 के लिए फर्स्ट राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग की डेट दी गई है, ठीक है, जो कि इन्होंने बताया है कि 7 तारीख से यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 11 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। स्टेट मेरिट का जो प्रकाशन है 14 तारीख को होगा। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 15 से 16 दो दिन की होगी। सीट का जो अलॉटमेंट होगा वो 17 को होगा, ठीक है। नोडल सेंटर पर मूल अभिलेखों की सत्यापन तिथि ये आपकी 18 से 21 रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आवंटन पत्र डाउनलोड करने की जो डेट है वो 24 रहेगी। और अपग्रेडेशन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो 24 रहेगा, और अपग्रेडेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो 25 को अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी अपग्रेड वाली सीट है वो 27 तारीख तक जो है यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली गई है, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब तक ये चीज़ साइट पर नहीं आएगी, ठीक है, हो सकता है कि जो डेट हो वो इसी तारीख में हो, ठीक है, इसके अराउंड हो सकता है 5 से शुरू हो जाए, हो सकता है 6 से हो जाए, या हो सकता है कि 7 से ही हो जाए। बट वही है ना कि उस चीज़ का जो एक प्रूफ है वो भी तो मिलना चाहिए ना। तो भी मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ उस पर क्या आ रहा है, ठीक है, तो आपको भी ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ अभी तक नहीं आई है। तो हम उसको कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, पर हाँ 99% तक चांसेस लग रहे हैं कि इस डेट तक शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा लेट काउंसलिंग ना हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। तो मैं अभी आपको साइट पर चल के भी एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज, ये रही अपनी साइट जिस पर क्या है कि यूजीआईएस की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो जितने बच्चे होंगे सभी ही पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी यह है कि इसमें देखिए वही सिर्फ पुरानी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे, ठीक है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप स्क्रॉल भी करेंगे तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो अभी तक ऐसा कोई अपलोड नहीं हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं यूजी काउंसलिंग 2020 का यहाँ पर अभी दिया गया है, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी अपडेट हुआ ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट पर। और जो भी आपने देखा होगा अखबार में जो न्यूज़पेपर में लिखी थी वेबसाइट, अगर हम उसको भी खोल के देखेंगे ना, तब भी हमें जो है कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ वेबसाइट, ठीक है, जो उसमें दिया गया था वेबसाइट। तो गाइस, आपने देखा कि जो वेबसाइट मैंने बताई थी वो वेबसाइट अभी दिखा, उसमें आपके सामने मैंने खोला था, ठीक है, आप भी खोल सकते हो गूगल पर, ये वेबसाइट है ही नहीं आखिर में, ठीक है। तो जो भी जानकारी होगी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, जो भी मेरे फॉलोअर है, सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए आप कन्फ्यूजन में ना रहें, ठीक है, जब भी अपडेट आएगा तो वेबसाइट पर होगा, आप अगर वेबसाइट विजिट करते रहें जैसे ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको आता है। पर हाँ, ये प्रोसेस है कि इतने तारीख तक जो है शुरू होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक तरीके से हम इसको रियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जब तक तो कोई प्रोफेशनल जो है वेबसाइट पर अपलोड ना हो, क्योंकि जब तक तो वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे ही कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।